Assalamualaikum everyone, क्या हाल है आप लोगों के? आई एम श्योर आप लोग ठीक होंगे। हाजिर हूं मैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर किसी ने लास्ट ये वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिग्नेचर की। बाउंटी में सिग्नेचर को हम किस तरह से सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये कि उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। और अगर किसी ने वीडियोस ये नहीं देखी है, ये भी देख लें, ताकि समझ में आ जाए कि सिग्नेचर कैंपेन क्या है और किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है, ये तो मैं आज बताऊंगी। और बाकी चीजें जो भी है, बाउंड्री एयरड्रॉप्स वगैरह क्या होते हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारे अकाउंट्स जो भी हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं अब हम न्यू टॉपिक की तरफ अपने, ठीक जी। ये आप देखेंगे सिग्नेचर कैंपिंग हर बाउंटी में होता है, कुछ बाउंटी ज्यादातर बाउंटीज में होता है सिग्नेचर कैंपिंग। इसमें स्टॉक्स भी अच्छे होते हैं, मींस के वही नंबर। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने मीट का भी जिक्र किया था कि हमें मीट की जरूरत पड़ेगी। अक्सर जब हम सिग्नेचर कैंपिंग अगर हम ज्वाइन करेंगे, जब भी सिग्नेचर कैंपिंग हमें अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास मीट होने चाहिए, ठीक? तो कितने मीट होंगे हमारे पास, तो ये उस हिसाब से यहाँ पर आप देखें रखा जाता है। JR मेंबर हैं आप, फुल मेंबर हैं आप, SR मेंबर हैं आप, या हीरो मेंबर हैं आप, जो भी हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, ये आप देखिए कोड है, ये कोड कहलाते हैं। तो ये कोड है इसके, इस तरह से ये देखिए कोड है, ये जब आप पेस्ट कर देंगे काम करेंगे तो ये इस तरह से शो होंगे। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम शो है ये वाले कोड। तो चलते हैं फिर हम इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से ये कोड आप ये देखें, अगर आप JR मेंबर हैं तो यहाँ से ये JR मेंबर का आप कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी किया। तो अब हम अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। ये प्रोफाइल आप देखें, ये प्रोफाइल में जाएंगे, ये इस तरह से शो होगा हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम ये शो हो रहा है। हम प्रोफाइल में जाएंगे अपनी, तो आप ये देखें आपकी प्रोफाइल में क्या। आप जब अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, इस देखें यहाँ पे सिग्नेचर कैंपिंग ये लिखा हुआ, अभी हमने पेस्ट यहाँ नहीं किया तो ये यहाँ पर खाली आपको नजर आ रहा है। तो अपनी आप ये प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड पर मॉडिफाई प्रोफाइल लिखा है, इसमें इसी में ही आप देखें फॉर्म प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लिखा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेज ओपन होगा। इस तरह से ये देखें आप, ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लोकेशन वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें या कर सकते हैं। यहाँ से आप मेल फीमेल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप, बाकी इनकी हमें इतनी ज्यादा कोई ऐसी नीड नहीं है। यहाँ इधर लास्ट में सिग्नेचर कैंपिंग यू शो होगा, अगर आप JR या फुल मेंबर हैं जो भी हैं, ये यहाँ पे ही इसी के नीचे ये देखें ये शो हो रहा है, ये सिग्नेचर कैंपिंग, ये कोड यहाँ पे ये देखें पेस्ट किया, ठीक है? ये पेस्ट जब आप करेंगे इस तरह से, तो इधर ही आप देखिएगा राइट साइड पर
चेंज प्रोफाइल लिखा होगा, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे फाइल में ये शो हो जाएगा। ये देखिए मिनट यहाँ पर ये शो हो रहा है 250 इधर, ठीक है 250 आ गया। एसआर मेंबर है, पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है। ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दी गई है वीडियोस में, आप देख लीजिएगा वीडियोस जो पहले चैनल पर हैं। ठीक, ये इस तरह से फिर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ होम पर क्लिक करेंगे, जब आप ये ऐसे होम पर यहां पर हम क्लिक करते हैं, ये मैंने होम पर क्लिक किया, फिर इसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड जो 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 भी है वो यहाँ पर ये होम पर ये शो हो जाता है सब कुछ, इस पेजेस से जो फॉर्म है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखें नीचे की तरफ आएंगे हम, तो यहाँ पर लिखा है ऑल्ट क्वीन डिस्कशन, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया ये यहाँ पर जो है ये बाउंड्रीज वगैरह ये शो हो जाएगी, जो भी बाउंड्रीज होगी वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ विच क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ट, ये यहाँ पर लिखा होगा जो भी बाउंड्रीज होगी वो यहाँ पर ये इस तरह से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर ये इस तरह से लिखा होगा, एक क्वेश्चन या किसी भी हवाले से कोई भी बात तो उसका आपने रिप्लाई करना है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि सेम रिप्लाई ना हो, उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बाउंड्रीज जो है वो वर्ड बता देती है कि कितने आपने करेक्टर लिखने हैं, 75 लिखने हैं, 100 लिखने हैं, जो भी है। वैसे ज्यादातर 75 की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो अब 70 करेक्टर वो तो पता ही होंगे, जैसे 1, 2 है, ये 3 है, 4 इस तरह के करेक्टर होंगे, तो आप एक से दो लाइंस होगी फिर वो 75 भी अगर हम कहते हैं। ठीक, उससे फिर इस तरह से अगर आप ये देखें जस्ट लाइक ये आपने यहाँ पर ये पोस्ट करेंगे, आप ये इधर आप क्लिक करेंगे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर ये शो हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप इनका पोस्ट हटा दें, ये आपने हटा दें, इनका पोस्ट हटा दें, या तो इधर क्विट पे क्लिक कर लें, या फिर ये लास्ट में सबसे या इधर ही कहीं ये देखें रिप्लाई लिखा है, या तो इधर क्लिक कर लें, या फिर इस पर भी अगर आप क्लिक कर सकते हैं तो आप इजिली इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इधर मैं रिप्लाई पे चले क्लिक कर देती हूँ, ये देखिए ये इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना यहाँ पर चाहें, जो अगर आप लिख लेंगे तो यहाँ पोस्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। इधर पोस्ट पर जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो जैसे ये देखेंगे इसी तरह से ये बिल्कुल आपका जो सिग्नेचर कैंपिंग है सिग्नेचर है तो ये शो हो जाएगा। देखें और भी लोगों ने किया हुआ है तो ये सबके सिग्नेचर ये शो हो रहे हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे इसी तरह से आपका भी सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। आप किसी भी ऐसे लेके आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक ही बाउंड्री के जो है सिग्नेचर यूज कर सकते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती, या आपकी अपनी मर्जी है, अगर बीच में भी आप छोड़ना चाहें तो नोट इश्यू, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सिग्नेचर शो हो जाएगा। अब इसकी वीकली रिपोर्ट जो देनी होगी फिर आपको वो यहाँ से आप इसका लिंक लेंगे, ये जो कॉन्टेक्ट ये देखेंगे नंबर लिखा हुआ है काउंटिंग, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसका लिंक शो हो जाएगा, इसका लिंक शो हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करके कॉपी कीजिएगा, कॉपी करने के बाद इसी की आपको बाउंड्री में जाना होगा, ये इसी की बाउंड्री है। तो फिर यहाँ पर आप ये देखिए बाकी लोगों ने भी इस तरह से किया हुआ है, इसी तरह से रिप्लाई में जाएंगे, यहाँ पर जाएं तो आप इधर पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर अगर आप चाहें यहाँ पे आप करना चाहें ये सारा यहाँ से ये हटा दें, ये हटा दिया, ये इधर उसका ये देखिए लिंक शो हो गया, ठीक है लिंक शो हो गया। ऊपर ये के मेंशन कर दीजिएगा सिग्नेचर कैंपिंग, ऊपर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सिग्नेचर कैंपेन।
ये सिग्नेचर कैंपिंग ये लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट लिंक हो गया। यहाँ पर आप नंबर, क्योंकि पोन्टी में हाँ ये रहता है कि जी 5 आपने करने हैं या 4 करने हैं लिंक, तो वो टोटल वीकली 1 करना है, 5 करना है। वीकली अक्सर ज्यादातर यही होता है कि आपने 5 ही करने होते हैं, तो एक दिन में आप एक कर सकते हैं, दो दिन में एक कर दें या दो कर दें, एक दिन में आप दो कर सकते हैं, एक कर दें या दो कर दें। आपने वीक में ये 5 अगर बोले गए हैं तो आपने 5 वीक में कंप्लीट करना है। इस तरह से आप 1 लिख दें, ठीक है, ये इस तरह से फिर आप 2 लिख दें। जब आप ये पोस्ट कर देंगे, इस तरह से आप ये वीकली रिपोर्ट फिर दे सकते हैं। जब आप फिर पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ये वीकली रिपोर्ट हो जाएगी। जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप ये रख लें कि ये वीकली रिपोर्ट है, ठीक है, वीकली रिपोर्ट होगा। फिर जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसी तरह से ये जो नंबर है, काउंटिंग है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वीकली रिपोर्ट जब आप अपलोड कर देंगे उसकी बात कर रही हूँ, और या नंबर काउंटिंग जो आ रही होगी पोस्ट करने के बाद, काउंटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार से आप इसका लिंक जो होगा वो कॉपी पेस्ट कहीं ना कहीं अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, किसी नोटपैड वगैरह में या मोबाइल में ही, कहीं ना कहीं मैसेज वगैरह में, कहीं भी आप एमएस ऑफिस नोटपैड वगैरह में आप कहीं भी सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के इन लिंक की नीड होती है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, इन लिंक को अपने पास कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिएगा। और हर पॉन्टी में इसका ये नंबर वगैरह दे दिए जाते हैं कि कितने आपने नंबर का करना है मैसेज पोस्ट, ठीक है। और एक चीज और, ये डाउनलोड अवेटर यानी के ये डीपी आप ये देख सकते हैं, ये डीपी यहाँ पर ये आपने डाउनलोड करनी होती है, ये डाउनलोड करके आप अपनी पर्सनल उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह, ये पहले भी बताया था कि आप वहां पर इसको लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगी बआसानी यहाँ से आप लोगों के पास। और इसका फॉर्म किस तरह से होता है, यहाँ बॉन्डी में ही इसका फॉर्म मौजूद होता है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे फॉर्म इस तरह से होता है। ये योर बिटकॉइन टॉक या एल्टकॉइन टॉक्स, ये एक ही है, ये एक ही तरह के होते हैं। आप चाहें तो बिटकॉइन टॉक से कर लें या एल्टकॉइन टॉक से कर लें, ये एक ही होता है फॉर्म, तो इसलिए कोई इसका इश्यू नहीं है। आप चाहें तो इससे अकाउंट बना लें या फिर दूसरे एल्टकॉइन टॉक उस पर अकाउंट बना लें, लेकिन बिटकॉइन टॉक जो है वो ज्यादा मेरी नजर में बेस्ट है, बाकी आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। ऐसी जिस तरह से इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, इसी तरह से अल्टकॉइन टॉक की भी रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर आप उसका लिंक देंगे, लिंक किस तरह से मिलता है ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। और बिटकॉइन टॉक का जो प्रोफाइल, यहाँ पर जो यूजर नेम होगा, यूजर नेम और उसका प्रोफाइल लिंक जो भी होगा आपकी वो देना है, और प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसका लिंक मतलब उसका लिंक किस तरह से होता है, वो जो आप जो कैंपिंग आप ज्वाइन करेंगे उसका यहाँ पर लिंक देना होगा, ये भी ऑलरेडी बता दिया गया है वीडियो में, जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख ले। योर रैंक, योर रैंक मीन्स कि आप जेआर मेंबर हैं या फुल मेंबर हैं, जो भी है, जैसे ये लिखा है ये रैंक कहलाती है, ये फुल मेंबर है, ये जेआर मेंबर है, ये रैंक कहलाता है। तो आप जो भी हैं आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जेआर मेंबर हैं आप या फुल मेंबर है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। काउंट ऑफ पोस्ट, इसकी अभी हमें नीड नहीं, क्योंकि ये वीकली जब हम फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, वीकली जब हम रिपोर्ट देंगे, तो वो यहाँ पर फॉर्म लिखना होगा कि हाँ जी हमने इतने पोस्ट किए, 5 किए, तो आप 5 लिख दीजिएगा, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑलरेडी मेंशन होता है। टेलीग्राम यूजर नेम, जो भी आपका टेलीग्राम यूजर नेम होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, बीएससी एड्रेस वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। तो इसी के साथ ही अब आप मुझे दीजिए इजाजत, ये चैप्टर हुआ अब हमारा क्लोज, तो अब आप इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझसे बाय कमेंट्स पूछ सकते हैं।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।